Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब राज्य में सरकार गठन के लिए कवायद चल रही है। रविवार को बिहार की राजधानी पटना में सीएम आवास पर एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जबकि तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी के विधानमंडल दल यानी कि विधान परिषद और विधानसभा का नेता चुना गया है। केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारकिशोर के नाम का ऐलान किया, वहीं उपनेता के तौर पर रेणु देवी का नाम फाइनल हुआ है। आइए जानते हैं कौन है तारकिशोर प्रसाद, जिन्हें बीजेपी ने ही अहम जिम्मेदारी दी है। तारकिशोर प्रसाद बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कटिहार जिले से आने वाले तारकिशोर प्रसाद की पार्टी में अच्छी पकड़ है। 64 साल के तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी ने कटिहार सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। 12वीं पास तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को हराकर कटिहार सीट से लगातार चौथी बार चुनाव में जीत दर्ज की है। इस बार तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। 2015 में लालू और नीतीश की मजबूत जोड़ी के बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीतने में सफल हुए थे। इन्होंने पिछली बार जेडीयू की उम्मीदवारी को पटखनी दे दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए दिए गए हलफनामे के मुताबिक तारकिशोर प्रसाद करोड़पति हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार उनका प्रोफेशन व्यापार और कृषि है। तारकिशोर प्रसाद की कुल घोषित संपत्ति 1.9 करोड़ रुपए है, जिसमें से 49.4 लाख रुपए चल संपत्ति और 1.4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। तारकिशोर प्रसाद कुल घोषित आय 3.7 लाख है, जिसमें 3.7 लाख रुपए उनकी व्यक्तिगत आय भी बताई जाती है। बता दें कि 16 नवंबर को राजभवन में 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ मंत्रिमंडल के 16 सदस्य भी शपथ लेंगे। इनमें वीआईपी और हम घटक दल के भी एक एक सदस्य मंत्री पद की शपथ लेंगे। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.